वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृश्य रन स्टोर शॉर्ट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। फिलहाल आज जो हम करने वाले हैं अपने चाइना पाम जैसे बोलते हैं, ये देख सकते हैं इसी तरीके के वाशिंगटोनिया पाम भी होता है मेरे ख्याल से, शायद ये वो भी हो सकता है पर पता नहीं है मुझे। ये ड्वार्फ वैरायटी का है। फिलहाल आज मैं इसको करने वाला हूँ रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के लिए मैं आपको उसकी केयर के बारे में टिप्स एंड केयर बता दूँ। इसको जो है आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन चलता है डायरेक्ट सनलाइट में, और इंडोर भी ये चलता है, पर इंडोर में रखने के ये फ़ायदे हैं कि एयर प्योरीफायर होता है ये, और एयर तो ये जो है इंडोर भी रख सकते हैं आप, मगर इसको जो है आपको हफ्ते काड़ में जो है आपको धूप लगाना ज़रूरी होती है। फिलहाल मेरा ये छायादार जगह पे था और अच्छा चल रहा है, और इसकी ग्रोथ भी आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें ये नई लीफ निकल आई है। तो फिलहाल आज मैं इसको करने वाला हूँ रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के लिए मैंने लिया है इसके साथ ये सीमेंट का 12 इंच का गमला, या 11 इंच का, या 10 इंच का, जो भी हो। और इसके देखें होल खुला हुआ है, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है ये, और इसके हम ऊपर लगा देंगे इस तरीके की ठिकड़ी जो बोलते हैं गमले की। तो ये रहा मेरा प्लांट, ये देखें इसकी रूट भी मेरे ख्याल से हो सकता है बॉन्ड हो गई हूँ, इसलिए आज मैं इसको करने वाला हूँ इस गमले के अंदर रिपोर्ट। तो ये रही मेरी, मैंने क्या क्या लिया है इसके लिए, लिया है मैंने गार्डन सॉइल जो होती है मीडिया, इसके अंदर रेड सॉइल भी मिक्स है पुणे वाली, और मैंने लिया है ये गोबर की खाद। देखें ये वाला गोबर बहुत पुराना है और ये सूखा हुआ है, और ये मैंने लिया है राइस हस्क, ताकि जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे, और साथ ही साथ लिया है मैंने ये नीम खली पाउडर। ये देखें ये नीम पाउडर है, ये आप लें तो इसे हमें मिला लेना है, अच्छे तरीके से मिला लेना है। और बाकी जो है मैं मिलाने से पहले एक बार और ये चाहता हूँ कि इस वाली मीडिया को भी मैं इसी में मिला लूँ। तो फिलहाल मैं इसे निकाल लेता हूँ, देखता हूँ मैं ऐसे ही निकल जाएगा या फिर कोई मेहनत लेगा। ये देखें ये ईजिली निकल गया है बहुत ही आसानी से, क्योंकि इनकी रूट जो है बॉन्ड हो गई है। ये देखिएगा यहाँ पे देखें, और रूट सड़ना भी शुरू हो गई है। ये देखें ये कैमरा मैन करीब से दिखाएं, ये सड़ भी रही है थोड़ी थोड़ी, पर इतनी नहीं सड़ रही है। और बाकी ये देखें इसके अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक था, क्योंकि मैंने काफ़ी ढेर सारी जो है लगा रखी है इसके नीचे ठकड़ी। ये देखें ये गमले, टूटे हुए गमले जो होते हैं हम वो यूज़ करते हैं जो हमारे पास मिट्टी के होते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसके ऊपर की जो मिट्टी है उसे हटाएंगे, और नीचे की मिट्टी को हम इसे नहीं छेड़ेंगे, और छेड़ भी सकते हैं पर हम नहीं छेड़ेंगे अभी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जगह है हमारे पास जो हम इसमें रख सकें। तो फिलहाल इस तरीके से हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से, और मैं इसको आपको दिखाऊं बताऊं कि इसको जो है सबसे पहले तो आपको फंगीसाइड अगर आपके पास है तो वो भी दे दीजिएगा, मिला लीजिए साथ में, और नहीं तो साथ में नहीं मिलाना चाहें तो आप आगे पीछे भी दे सकते हैं। तो ये हमारा मीडिया है रेडी, इसमें हम देंगे इस तरीके से भरेंगे। ये देखिए, ये देखें, और ये मैंने घर पर ही बनाया था। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरे वीडियो पे जा कर के वहाँ देख सकते हैं कि इनको आप किस तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो इसको हम रखेंगे और इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिएगा ये सेंटर आ चुका है इसका मेरे ख्याल से। तो फिलहाल जो मिट्टी और चाहिए होगी इसे हम और दे देंगे, और ये देखें राइस हस्क भी मैं लेता हूँ यूज्ड वाली, जो कि हमारी होती है पोल्ट्री फार्म की निकली हुई। तो इस तरीके से हम इसकी दबा देंगे, और अगर कोशिश रहे तो कोई लकड़ी या खुरपी की बेटी की मदद से इस तरीके से कर दें। उसको लगाते समय थोड़ी सी सावधानी ये बरतें, क्योंकि इसके अंदर ये देखें ये कांटे बहुत होते हैं, अभी मेरे लग गया, ये देखें ये इस तरीके से लगते रहते हैं, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सावधानी से लगाना है। तो ये हमारा वीडियो यहीं तक था दोस्तों, और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, क्लाइमेट अच्छा है, और बाकी जो है आप चाहें तो इसे थोड़े दिनों शेड में रख के फिर भी आप धूप में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़। और वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मेन चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, वहाँ आपको नर्सरी विज़िट वगैरह बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं।